गाइस वेलकम बैक टू दी है अनदर व्लॉग। तो आज मैं फिलहाल व्लॉग बना रहा हूँ, थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा किस टॉपिक के ऊपर आज का व्लॉग है। जी हाँ बिल्कुल, मेरा मोबाइल जो है टूट चुका है और ये मैं दूसरे मोबाइल से बना रहा हूँ। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा, जो जिसकी ब्लैक स्क्रीन नहीं है फुल, उससे बना रहा हूँ। आई डोंट नो कि किस तरीके से एडिट होगी, कि कैसे वीडियो मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा हो, तो सिर्फ आधी स्क्रीन जो दिख रही होती है वहाँ से काम चलता है। बस 3 दिन हो चुके हैं, आज तीसरे दिन है मोबाइल को टूटे हुए, तीसरे दिन हो जाएगा रात में। तो मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल का पहले तो अशर, उसके बाद कहानी बताता हूँ हुआ क्या सीन है। हमारा मोबाइल जिससे हमने व्लॉग बहुत बनाए हैं माशाल्लाह से, यानी 365 व्लॉग इसी से हमने बनाए, और आज ये टूट चुका है फुल तरीके से। दिखाता हूँ, ये देखिए, ये वही मोबाइल है, आप नहीं समझिएगा कि दूसरा मोबाइल ही देखिए। स्क्रीन पूरी अलग हो चुकी है भाई, सीन ऐसा है कि ये देखें वाइब्रेट भी हो रहा होगा ये। हाँ देखें वाइब्रेट भी हो रहा है। इसका बोर्ड जो है बिल्कुल सही है, सिर्फ इसका पैनल उड़ा है। एक चीज़ होती है, अगर ये चीज़ मुड़ती नहीं, ये वाली चीज़ अगर ये मुड़ती नहीं तो फिर स्क्रीन सही होती, और ये मुड़ चुकी है तो पैनल लगेगा तकरीबन 5 साढ़े 5 का बोल रहे थे वो। तो मैंने बोल ही दिया कि भाई चलते हैं घर पे छोड़ो, तो ये चीज़ तो हमने छोड़ दी मोबाइल की ज़िद्द। मोबाइल जो है मैं कुल मिला के बनवा नहीं रहा, अब देखते हैं कि नया लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि अभी कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि मैं नया लूँ, क्योंकि अभी मैं क्या नाम है, मेरे फादर का मोबाइल भी टूट गया, वो उसका भी पैनल का सीन हो गया। तो जो अभी मैं काम चला रहा हूँ ना मोबाइल से, ये वाला जो मेरे हाथ में, इसमें कॉल वगैरह आती हैं, मतलब सिम मैंने इसी में लगा दी, और एक ये वाले जिसमें गेम है सिर्फ। तो फिलहाल अभी चलते हैं कोचिंग, आने के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। आपसे मुलाकात हो रही है पूरे 2 दिन बाद। तो आज मैच था किसका, इंग्लैंड का और श्रीलंका का। इंग्लैंड जीत गई, आखिरी ओवर में मैच गया, लेकिन 9 ओवर में उनके 94 हो गए थे और 142 का टारगेट दिया था श्रीलंका ने। आखिरी में श्रीलंका ने आखिरी 10 ओवर बहुत अच्छे करवाए, और लेकिन रिज़ल्ट इंग्लैंड के पास था तो वो लोग जीत गए, और इंग्लैंड जो है क्वालिफाई कर गई। डिफेंडिंग चैम्पियन जो है इस साल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और पाकिस्तान का भी सीन ऐसा ही है कुछ के, मुश्किल ही है कि अब क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही अच्छी टीम है। इंडिया वाले क्या नाम है, किससे मैच है मुझे तो मुझे भी नहीं पता, वो मैं आपको वीडियो अलग से बना के बताऊंगा, वो आने वाली है कल इंशाल्लाह, क्योंकि कल तीनों जो ग्रुप का मैच है वो डिसाइड करेगा कौन बाहर हुआ, कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाया। तो कल का जो वीडियो होने वाली है वो आप लोग लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी देखिए मैं एडिट, मुझे भी नहीं पता किस तरीके से एडिट करूंगा मैं, क्योंकि आपको पता ही है पिछले क्लिप में आपने देखा कि मेरा मोबाइल जो है टूट चुका है। और अभी हमारा सीन ऐसा है कि आज है मिलाद, सबसे पहले तो हम जाएंगे कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान के बाद जो है हम लोग फिर मतलब मैं जो है खेलूँगा, खेलने के बाद फिर जाएंगे मिलाद में। खेलने का व्लॉग भी इंशाल्लाह आपको थोड़ा बहुत मैं दिखा दूँगा यहाँ पर, अभी बच्चे खेलने में ज़रा मैं दिखाता हूँ, आशमान रायान वगैरह खेलने आओ चलो। यहाँ पर आवाज़ आ रही होगी, लेकिन यहाँ पर कबूतर है, क्योंकि किसी बच्चे की, कबूतर की बच्चे की आवाज़ आ रही है चू चू करके, कोई परेशानी में बेचारा, अच्छा वो उड़ नहीं पा रहा ना ये पर कबूतर बहुत होते हैं, रात में दिखाऊंगा असल में आपको, बहुत कबूतर होते हैं भाई सर। खेल वेल के जो है मैं फारिग हो गया, सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना पाया, क्योंकि हुआ सीन ये, नमाज पढ़ते ही मैं कब्रिस्तान चले गया। कब्रिस्तान के बाद जो है फिर मुझे टाइम नहीं मिला खेलने का, क्योंकि तकरीबन क्या नाम है, मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्रिकेट का। इसका रीज़न ये है कि नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद जो है मैं कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान के बाद जो है जौहर पार्क में, जो आपको मैंने दिखाया कि सेटअप हो चुका है कंप्लीट, तो अभी भी चल ही रहा है, और इंशाल्लाह ईशा के बाद, ईशा की नमाज़ के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ क्लिप्स उसमें से दिखा दूंगा, और कल भी पूरा दिन व्लॉग बनेगा, या तो होगा ये कि मैं आज जो है व्लॉग कंप्लीट कर लूँगा, क्योंकि मुझे कल मैच, 2 मैच तो मैं आपको शुरू में ही बता दूंगा,
और एक मैच की वीडियो जो है बाद में आएगी, यानी आखिरी मैच है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। देखते हैं कौन जीते, इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन बहुत मुश्किल है कि हम क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इंडिया हार गई तो फिर हमारे पास चांस है, साउथ अफ्रीका भी हार गई तो हमारे पास चांस है, कोई भी टीम एक हारे, या साउथ अफ्रीका हारे या तो इंडिया हारे, तो हम लोग जो है क्वालिफाई कर जाएंगे और हमें लाजमी जीतना है कल का मैच अच्छे रन रेट से। फिलहाल अभी हम रेडी वेडी होते हैं और फिर निकलते हैं कहाँ, मिलाद के लिए, लेकिन हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। और अभी फ़िलहाल अभी का सीन ऐसा है कि रेडी होंगे जैसे कि बता भी दिया मैंने, बस दुआ करें कि पाकिस्तान जो है क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। ग्रुप वन से जो है क्वालिफाई करा है अपना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने, ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैम्पियन जो है इस बार बाहर हो गई, कोई बात नहीं, होता है, हर दफ़ा अलग अलग टीम जीतती है। इस बार देखते हैं किसका ये वर्ल्ड कप होता है। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे। हाँ, रैंकिंग की भी बात करेंगे हम, लेकिन वो अलग से वीडियो बना के, लेकिन बड़ा दुख हुआ यार, अब बाबर और रिजवान जो है फॉर्म में ही नहीं है, क्या करें, कोई बात नहीं, और क्यों फॉर्म में नहीं है वो भी वीडियो में आपको बता दूंगा। अल्लाह हाफिज। साइकिल मैंने बोला था कि बनवाऊंगा, बट साइकिल में बनवा नहीं सका, मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है। देखें अभी आज सैटरडे, तो क्या करा मैंने, आज को मैंने आपको जो है बता दिया है, संडे वाले दिन मैं खेलता हूँ, टाइम मिलता नहीं है कि मैं बनवाऊँ, और अभी मेरा मोबाइल भी जो है टूट चुका है, तो मत पूछे कि क्या सीन होने, अभी ये वाला मोबाइल किस तरीके से एडिट करूँगा आई डोंट नो, मैं आपको कब से यही बता रहा हूँ। बस देखते हैं, अभी एक सीन ऐसा करूँगा कि ये जो मैंने वीडियो बनाई है यहाँ से मैं किसी और के मोबाइल से एडिट करके जो है मैं फिर अपलोड कर लूँ। फिलहाल अभी का सीन जल्दी जल्दी रेडी होते हैं, तो लेट्स गो। अभी मैं नमाज पढ़कर आया तो ये देखे क्या दिखता है, बिल्ली, क्या कर रही हो यहाँ पर, है अपने घर पे जाओ। ओए ओए, तो छलांगे मार रही है भाई, भाई भाई जरा अपनी बिल्ली संभाला करो, अजीब छोड़ देते तुम। तो बस ज़्यादा हाथ लगा लिया, अब चलो बाहर, चलो 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 बेटा चलो, मैं उधर तो जाने का नहीं है ना, इधर कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें, बाहर ही मिलेगा, चलो नीचे तो छोड़ कर आऊँगा, तुम ऊपर से आई हो ना, दरवाज़ा खुला हुआ ऊपर का, चलो चलो यहाँ से चंग आ जाओ, आओ जाओ, चलो भागो। तो भगाने की करी तो अभी नीचे चली गई, दरवाजा खोला तो यहाँ पर बैठी रही, अब जब ऊपर आया बंद करा तो फिर नीचे जा रही है, ऊपर ही आ जा भाई, बोलिए आज मैं नहीं चाहूंगी, तो सीन हो गया यार। एक काम करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, पंजे पंजे ना मार दें मुझे, वह तो चला रही है, डर लग रहा मुझे, जाए चल भाग। अबे ये तो खतरनाक आवाज निकालने लग गई भाई, ताबाई को बुलाना पड़ेगा, ताबाई बिल्ली को भगाओ भाई, नहीं जा रही है, मैं चुपके से यहाँ से देखता हूँ, देखते ये करती क्या है, लेते हैं इधर ही देख रही है, वैसे इसको पता है कि मैं यहीं हूँ, देख कैसे रही है, ये ऊपर ही आ रही है कहीं, ये हेलमेट के पीछे छुप चुकी है, अभी कमेंट्री चलते हुए हैं, शेख मोहम्मद अन्नान कमेंट्री करते हुए, ये ऊपर ही आ रही है ऐसा ऐसा। हाँ भाई कैसी हो, थोड़ा और छुपते हैं, मोबाइल बस यहीं रखते हैं, जगह ढूंढनी है कहाँ से जाए, बस ऊपर ही आई, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रही है, कैमरा छुपा देता हूँ, आएगी 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 यार, ये पिलर क्यों हो रहा है, एक तो ये मोबाइल, एक तो खराब हुई है ना मेरा। हाँ भाई आ जाओ, चलो
आ रही आ रही आ रही आ रही है, आ रही है। असल में ऊपर दरवाज़ा खुला था, छत का, इस वजह से आ रही है। ये गंदगी ना कर दे बिल्ली, मसला है। तीन चार दफ़ा तो कर चुके हैं, गमलों में भी आपको मैं दिखाऊंगा कभी। भूख लग रही है बेचारी को। आओ, यहाँ तो हमें बिल्ली का कंटेंट मिल गया यार। चलो अच्छी बात है, कंटेंट तो मिला। बाकी अरे आराम से आराम से। अभी देखते हैं जाती कहाँ है। अच्छा भाई चलो ना। अबे ताबी ये तो घुस गई। हाँ जा ही नहीं रही। वो रही इनको जानवरों को बड़ा शौक है। एक दफ़ा कुत्ता भी घुस गया था, इन्होंने ही भगाया था। ये पाना वहाँ पर, वो रही उधर जगह है। अरे 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 क्या हो गया। अबे उधर नहीं जाना, करंट से चिपक जाएगी तू। गलत जगह चली गई है। छुआ दी आज ये लियोनेल मेसी। जा रही जा रही, बिल्ली जा रही है। देखें बिल्ली जा रही है, रुक गई है यहाँ पर। फुटबॉल अभी गेम्स खेल ली थी ये पॉल से ना। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ मिलाद में। आप लोग को मैं बाद में बताऊँगा किसकी मिलाद में आया हूँ, पर ये मैं लेडीज़ की मिलाद में आया हूँ, ठीक है। और उसका यूट्यूब चैनल भी है, उनकी मिलाद है। और अभी मेरे साथ बैठे हुए आप बताए कौन है। सलाम अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू खबीर। क्या चैनल का नाम क्या? मैं तो सैयद अब्दुल खबीर व्लॉग। तो सब्सक्राइब कर दे उसके चैनल को भी और बहुत सारा प्यार दे इसके चैनल को। मिलाद भी चल रहा है माशाल्लाह, आप इंजॉय करें मिलाद को भी और हम जो बातें करेंगे उसको भी इंजॉय करें। हाँ भाई कैसे हालत चल रही है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके चैनल पे माशाल्लाह से कितने सब्सक्राइबर हुए हैं? यार 235 हो गए माशाल्लाह। ब्लॉगिंग वाले में ना अभी, और इंशाल्लाह अभी और वीडियो आएंगे क्रिकेट के हवाले से ही आएंगे। अभी हम मेरे ऊपर जो है ना वीडियो, अब क्रिकेट के हवाले से ही आएंगे। ब्लॉगिंग जो है मैं कम ही करूँगा, टाइम नहीं मिलता। तो हम आपको दूर से बोलेंगे क्योंकि पीछे माशाल्लाह से मिला दूंगे। हाँ देखिए आइसक्रीम के भी साइडों पे बिल्कुल बिल्कुल टाइट सेटअप करो। सेटअप भी दिखाइए हबीब भाई, आप पूरा सेटअप दिखाइए। अभी हम दिखाते हैं। ध्यान में रिप्लाई दे रहे, गुरूर आ गया। ध्यान गुरूर आ गया, गुरूर आ गया। ये बड़े लोग हो गए ना यार। अच्छा बड़े लोग हो गए मेरे चैनल में, कोई सब्सक्राइब कर। मेरे पास का 2-3 लाख रुपए आ गए। अच्छा मेरे चैनल, आप बड़े लोग हो, मेरे चैनल में बोल दो सब्सक्राइब कर। आपके चैनल का नाम क्या है? सैयद अब्दुल खबीर व्लॉग्स। हां सैयद अब्दुल खबीर, सैयद अब्दुल खबीर व्लॉग। करीब नहीं और आपका कैमरे का सब्सक्राइब करें कि मैंने भी सब्सक्राइब किया है। ठीक है आपका मुंह आ रहा है नहीं कैमरे में वैसे। सैयद अब्दुल खबीर व्लॉग्स को सब्सक्राइब। हां मतलब भी नहीं करें अब जाए। बताया था मुझे इसने, बताया था भाई मैं बाइक डल लेके जा रहा हूँ। ये भाई सब ऐसे आ गए। कोई बात नहीं, होता होता है, नया नया है ना कि बाइक नई नई चला रहे तो बंदे के साथ ऐसा होगा। तो गाइस अभी फिलहाल मिलाद में मैं आया हुआ हूँ, खबीर भी हमारे साथ है, जियान भाई उधर चले गए हैं टूटे मोबाइल से, हम जो है ब्लॉग बना रहे हैं। आइए खबीर भाई कैसे हैं आप? यहाँ पे अपना मोबाइल घर पे भूल गया वरना मैं लिया था अपना। कोई बात नहीं, अनाथ के ब्लॉग से। तो फिलहाल अभी आपको थोड़ी देर बाद मिलेंगे, अभी मिलाद चल रही है ना तो आवाज़ कॉपीराइट आ सकता है। पूरा सेटअप खत्म हो चुका है, अभी हम बस घर की तरफ जा। हशर के मैदान में जब दुनिया भट कर जा रही होगी, मैं चलते चलते रुक जाऊंगा तो ऐ परवरदिगार जहां तक मैं आ गया इससे आगे भागते हुए मुझे हया आती है। मैं किस तरह तेरा सामना करूंगा, कैसे तेरे हुजूर उसको पेश करूं। स्कूलों में संगीत भी पढ़ाई जाती है,
सिंड्रेला की स्टोरी क्या है, जिसने अपनी माँ से ही सच बोली। गौसुल आजम की तालीम अल्लाह की इताअत करना, गौसुल आजम की तालीम अल्लाह की फरमा बरदारी करना, और गौसुल आजम की तालीम माँ देखने दे, सब देखने दे कि माँ ने कहा था हमेशा सच बोलो, माँ से बता देंगे। बस इख्तितामी बात ये कि जो माएँ हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। आकर जो यहाँ ने फरमाया कि माओ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, इस हदीस मुबारक के दो रुख हैं। एक रुख तो यह है कि औलाद समझे कि माँ कितनी अजीम है जिसके कदमों में। रुक जानो, आज खबीर भाई हमारे जो है साथ बैठे हैं, व्लॉग एंड करेंगे। बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई इनसे। इस मोबाइल से जो है मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। खुल जा, ओए खुल क्यों नहीं रहा यार, खोलो खोलो ये देखो क्या हालत हुई है। कैमरे का मैं आपको नहीं, रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत है जो कि आप लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि पहले पिछले जो क्लिप थे वैसी मोबाइल से बनी है। तो व्लॉग एंड करें खबीर भाई आप, तो इस व्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा इस व्लॉग को वायरल करें और व्यूज लाएं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट।